मैं एक कली की सिलवार बता रही हूँ आज। एक कली की सिलवार कैसे कटेगी? अगर अपनी लंबाई 37 या 38 आ रही है तो अपन 33 इंच की लंबाई लेंगे, 6 इंच माइनस कर देंगे 37 में से, बेल्ट के लिए ऊपर बेल्ट लगेगी। अब इसमें क्या करना है, 31 इंच की लंबाई बची, 2 इंच अपन मोरी इसी के अंदर फोल्ड करेंगे, अलग से कपड़ा नहीं लेंगे, इसी के अंदर फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो 33 इंच की लंबाई ले रहे हैं, 33 इंच की लंबाई पूरी रखी है ये मोरी समेत। अब इसमें क्या होगा, 6 इंच की बेल्ट अपन ने अलग से कटिंग कर ली। और इस ये वाली चीज है, ये कोना मैं ऐसे कर रही हूँ, इसको ऐसे बिछाया मैंने, इसको ऐसे बिछा दिया इस कोने को। अब यहाँ से मैंने 16 इंच की चौड़ाई रखी है मोरी की, 16 इंच की चौड़ाई, ये कोना मैंने ऐसे कर दिया। ये 33 इंच आ रहा है, तो ये 1 इंच की, ये 1 इंच की अपने एक अब मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ इसकी, इस तरह से कटिंग कर देंगे। एक कली की सिलवार की कटिंग कर रही हूँ मैं, ये एक कली की सिलवार की कटिंग हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ से ये आसन बनेगा, इधर से ऐसे आसन तिरछा लेना, सीधा नहीं लेना, तिरछा लेंगे और 7 इंच का लेंगे, 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी, 13 इंच का आसन हो जाएगा। और ये आसन में ऐसे तिरछा काट रही हूँ, 7 इंच का ये मैंने आसन काट दिया। अब ये कली की कटिंग में इधर से कर दूंगी ऐसे, ये वाली कटिंग भी वापस हो जाएगी। ये कटिंग भी ऐसे हो गई, और यहां से भी मैं इधर की कटिंग कर दूंगी। ये हो गई। अब ये कली अपने को ऐसे रखनी है, ये कली इधर ऐसे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, ऐसे इस तरह से आएगी, और ऊपर बेल्ट आ जाएगी आसन जोड़ करके, मोरी लगा करके। ये सिलवार इस तरह से तैयार हो जाएगी, एक कली की सिलवार।